हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका जिग्नास किचन। आज मैं वापस आपके लिए फिर एक माइक्रोवेव की इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ, कलाकंद। ये बहुत ही अच्छी स्वीट है और बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हो माइक्रोवेव के अंदर। ये रेसिपी आप गेस्ट पर भी बना सकते हो बहुत आसानी से, और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलिए बनाते हैं कलाकंद। कलाकंद के लिए चाहिए 200 ग्राम पनीर। ये पनीर होममेड है और इसको मैंने मिक्सचर में क्रश कर दिया है। आप बाजार का भी पनीर ले सकते हो, उस पनीर को भी आपको मिक्सचर में क्रश करना है। 200 ग्राम चाहिए कंडेंस मिल्क। टेबलस्पून चाहिए मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐड नहीं करोगे तो चलेगा। 1 टीस्पून चाहिए इलायची और जायफल पाउडर। 2 टेबलस्पून चाहिए काजू बादाम पिस्ता और केसर की कतरन, ये मैं हाफ ही इसमें ऐड करूंगी और हाफ रखूंगी गार्निशिंग के लिए। ये सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको माइक्रोवेव के जो स्टार्ट का बटन जो मैंने कल आपको दिखाया था वही बटन से उसको 5 मिनट तक कुक करना है। 5 मिनट के बाद एक बार इसको वापस हम कुक करेंगे और फिर अगेन हम 3 या 5 मिनट इसको सेट करेंगे माइक्रो मोड में। तो डायरेक्ट मैं इसको रख रही हूँ 10 टेबल पर और टाइमिंग दे रही हूँ स्टार्ट बटन से 5 मिनट्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5 मिनट्स। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, वापस हम इसको एक बार मिक्स करेंगे और इसमें 1 टीस्पून मैं ऐड करूंगी घी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो, अगर आपको नहीं इसमें ऐड करना तो मत कीजिए, पर इससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। ये अभी थोड़ा सॉफ्ट है तो वापस हम एक बार 3 मिनट और इसको सेट करेंगे माइक्रोवेव में, और बाद में मैं इसको, ये जो मेरे पास जो टीन का स्क्वायर बर्तन है उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है, जब ये रेडी हो जाएगा तब हम इसमें इसको सेट कर देंगे और इसको 3 या 4 घंटे तक ठंडे होने देना है। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रिज में रख सकते हो, अदरवाइज ये 3-4 घंटे में बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार वापस रख रही हूँ माइक्रोवेव में 3 या 4 मिनट के लिए, ओनली स्टार्ट के बटन से। साढ़े 3 मिनट मैंने दिए हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी है, देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है ये। तब हम इसको सेट कर देंगे ये बर्तन में, इसको आप लूज भी सर्व कर सकते हो, और अगर आपको पीस करने हैं इसके तो इसको इस अच्छी तरह से 3 या 2-3 घंटे इसको सेट करना पड़ेगा आपको। इसमें आप वेरिएशन भी बहुत सारा ला सकते हो, जैसे आपको कोई फ्लेवर कलाकंद बनाना है तो, जैसे आपको ऑरेंज फ्लेवर आपको इसमें बनाना है तो अगर आपके पास ऑरेंज क्रस है तो 2 टेबलस्पून वो ऐड कर दीजिए। पाइनएप्पल बनाना है तो अगर पाइनएप्पल के क्रस है तो वो ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप फ्लेवर कलाकंद भी बना सकते हो। और इसको फ्रीज में ही रखना है, 1-2 दिन आप बाहर रख सकते हो, बाद में इसको फ्रीज में रखना है स्टोर करके। ये कतरन से हम इसका गार्निशिंग कर देंगे और इसको सेट होने के लिए 2 या 3 घंटे हम रखेंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस करना है क्योंकि ये दाने दाना होता है, जैसे कलाकंद रहता है तो उसमें दाना बहुत होता है, तो इसको अच्छी तरह से प्रेस करके आपको रखना है, या फिर आप इसको लूज सर्व कीजिए। कलाकंद हमारा सर्व करने के लिए रेडी है, तो कल वापस फिर एक नई इंस्टेंट और इजी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जायका जिग्नास किचन।